हेलो गाइस, आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और भाई, अगर आप करण वंश व्लॉग्स पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तो टाइम हो गया 9:06 का टाइम हो गया और मैं उठ गया था, 8:30 उठ गया और चाय मैंने पी ली थी। चाय पी करके अभी ऊपर आया था कमरे में और सोनू भाई सो रहे हैं, ये रात को थोड़ा काम कर रहे थे ज़रूरी, तो इसलिए इसको बज गए थे 12:01 बज गए थे और अभी तक सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सोने दे और मैं भी अपना थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ। साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया और मैं मार्केट में आ गया था। थोड़ी देर मार्केट में बैठने के लिए यहाँ पे पार्क में बैठे हूँ, मार्केट में बस थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करने आ गए ये समझ लो। और मम्मी का फ़ोन आ गया कि आधा घर पे आधा नहा ले और खाना भी बना दिया मम्मी ने। और पता क्या, आज मैं ना 9 बजे उठा था, 9:06 पर उठा था। और पता क्या, वो लोग एडिट करना था और कल वाला जो लोग है वो एडिट करना था और आज कम लोग मैंने शूट कर दिया था और इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लग गया। तो इसलिए अब नहाऊंगा 11 बजे, तो मिलता हूँ मैं आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मज़ा आया। अच्छा ठीक है। तो भाई अभी ना टाइम हो गया 12:36 का टाइम हो गया, सुबह 12:30 का टाइम हो गया। और मैं अभी थोड़ी देर पढ़ाई करने का हूँ, है ना। आप सोचोगे कि ये तो सारा दिन लोग बनाते रहते हैं, पढ़ता रहा है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। यह नहीं कि ये नहीं है कि मैं लोग ही बनाता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है। मैं पढ़ता भी हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, सारा कुछ सिस्टम मैनेज करके चलता हूँ। किस टाइम मतलब किस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ सिस्टम मैनेज करके चलना चाहिए। जितना समय ब्लॉगिंग को देते आप, उतना समय हमें पढ़ाई को भी देना चाहिए, दूसरे जो अपने काम काज है उनको भी देना चाहिए। असंभव।
टाइम हो गया भाई 5:09 का टाइम हो गया, यानी कि 5 बज गए हैं और मैं सो गया। अभी सो के उठाया था तो चीनी चाय बनाने लग रही थी, तो चीनी ख़त्म हो गई है, तो बस अब चीनी ले आता हूँ यहाँ मार्केट से, शिव शक्ति की दुकान से। तो अभी चीनी ले आता हूँ और पीनी चाय बना लेगी। A few moments later, तभी मैं शिव शक्ति की दुकान से चीनी ले आया था, ये 100 रुपये की लेके आया था। मम्मी ने बोला था कि 100 रुपये की ले आइए, तो मैं ले आया था बस 100 रुपये की चीनी ले आया था। तो अब पीनी चाय बना देंगे, 100 रुपये की चीनी ले आया पीनी चाय बना देंगे। कैसा लाइन, कैसी अच्छी है ना, 100 रुपये की चीनी ले आया पीनी चाय बना देगी, अच्छी लाइन है भाई। आप कुछ तैयारी करते हैं, आप जीके की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, कुछ आपकी भी रिविजन हो जाएगी और मेरी भी रिविजन हो जाएगी, एक साथ पढ़ते हैं आप, तो मेरा जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। जो CHSL का एग्ज़ाम है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है, जुलाई में है वो, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो ये मैंने उठाई है SSC अड्डा 247 से उठाए, तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ हिस्ट्री है, तो देखते हैं आप। पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको पता हो गया क्या होते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है, किससे संबंधित है, नागरिकता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जिसे हम रहते हैं, हमारी नागरिकता है। जैसे हरियाणा में, जैसे मान लो अपना भारत देश है, भारत में रहते हैं, सिटीजनशिप है इंडिया की, तो वहाँ के राज्य में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, हरियाणा में, हरियाणा के अपने पास सिटीजनशिप है, और उसके सिटी में या गांव में, ज़िले में या गांव में रहते हैं, तो वहां की हमें क्या प्राप्त है, नागरिकता प्राप्त है। तो यही बताया गया नागरिकता से संबंधित कौन सा अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद 333 से 337, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4। तो कौन सा है, अनुच्छेद 5 से 11, ये कौन से भाग में है और इसका पार्ट क्या है, भाग 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसमें 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, किसकी की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, ग्लासगो में, अबरूदीन में, बंबई में, कहाँ की थी, लंदन में। किसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ईस्ट इंडिया की, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, एसोसिएशन है, 1886 में उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी, कहाँ पे की थी, लंदन में की थी। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह जहाँ पर मतलब जो शिप है, जो समुद्री जहाज है, वहाँ आकर ठहरते हैं, उनको स्टॉप मिलता है, यानी कि जो जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर बसें रुकती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर क्या रुकती है, रेलें रुकती है, तो ऐसे मतलब बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जो समुद्री जहाज है वो आकर के रुकते हैं, जो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, मतलब इन समुद्र के जरिए जैसे व्यापार करते हैं ना,
उनका मतलब बंदरगाह होता है, एक तरह से बंदरगाह होता है जहाँ पे भी मतलब कुछ समय जैसे बस स्टैंड पे रेस्ट करते या रेलवे स्टेशन पे रेस्ट करते ना, ऐसे भी जो जहाज समुद्री जहाज है वो समुद्र में समुद्र पर यानी कि बंदरगाह पर एक वो होता है रुकने का स्टॉपेज होता है, यानी कि आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कौन सा है? कांडला, विशाखापत्तनम, कारिकल, पुडुचेरी। कौन सा है? विशाखापत्तनम। निम्न में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? अभी ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के। मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन, टैगफ्लेशन, रिसेशन, नन ऑफ दीज। क्या है? डिफ्लेशन। निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच होती है। आय क्या होती है? लोच होती है। पॉजिटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, जीरो, शून्य, ग्रेटर देन वन, एक से अधिक। क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, जो उदारवादी थे ना उनका सबसे प्रमुख योगदान कहाँ पे था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान, जन आंदोलन, मास मूवमेंट, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल जो कृष्ण गोखले है ना, उन्होंने मतलब किस वक्त भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1902, 1903, 1904, 1905। कब की? 1905 में। भारत से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती? भारत से नहीं, सॉरी, भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी जो भारत में है वो उत्पन्न है ना, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, संरचनात्मक, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये तीन प्रकार की जो बेरोजगारी है भारत में पाई जाती है, कौन कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत का संविधान लागू हुआ, जो भारत है, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 1949 में, 1951 में, 1956 में, 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? भाग एक को, भाग दो को, भाग तीन को, भाग चार को। कौन से भाग को कहा है कि आपको कमेंट करके बताना है। तो ये मेरी रिवीजन होगी, मेरे साथ साथ आपकी भी रिवीजन होगी, है ना। राम राम बोल दे। क्या कर रहे थे? कड़ा बाटा में किले का वहाँ कटा जा रहे हैं ड्यूटी पर। अनिनु कटा अच्छा ये ला रखा क्या का पेड़ है वो क्या का पेड़ है वो मट्टी तो नहीं खराब मट्टी खराब है इस गाड़ी में हवा भर ली थी बस अभी भरी मैंने हवा तो अभी हवा भर के मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ पेट्रोल पंप पे मिल गई थी फ्री एयर है, नाइट्रोजन वाली फ्री एयर है।
ओवर ली थी, तो अब ओवर करने के लिए इतना दूर जाना पड़ता लिंक रोड बाईपास पे, वहाँ पे नाइट्रोजन वाली हवा थी तो यहाँ पे ही भर ली। तो कम से कम 35 मिनिमम होनी चाहिए हवा, 40 मैक्सिमम, मिनिमम 35, तो 35 होगी सभी टायरों में हवा। तो गाइस बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको व्लॉग कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप करण वंश चैनल पर नए हो तो इसको भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।